हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस व्लॉग। आज है मंडे, ठीक है। तो आज पता नहीं, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा लेट से उठा हूँ। अभी लगभग 8:32 AM बज गया है सुबह का। तो पता ना आज थोड़ा सा कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो पहले नहा लेते, उसके बाद मिलता आप लोगों से। तो गाइस, मेरा यहाँ पे नहाना कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बाल बाल ठीक कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद पूजा देते हैं गाइस। क्योंकि आज है ना श्रावण महीना का लास्ट मंडे है, तो आज पहले हमारे शिव भगवान के शिवलिंग में पानी देते हैं, जो हम लोग देते हैं हमेशा, ठीक है। चलो बाल तो ठीक हो गया। चलो गाइस, मैं पूजा दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। यहाँ पे पक्का वाला 9 बज गया है और मेरा पूजा देना कंप्लीट हो गया है। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कल थोड़ा सा फ्राइड राइस रह गया था, तो वही मैं खा लेता हूँ ब्रेकफास्ट पे। चलो तो गाइस, यहाँ पे अभी सुबह का 11 बज चुका है, और मैं थोड़ा सा क्या कर रहा था जानते हो, अभी यूट्यूब से क्लास 11 का जो साइंस है, जो हम लोग का बायोलॉजी है, तो उसका थोड़ा सा खुला हो, मतलब वो चैप्टर जो है थोड़ा सा मैं खोला हूँ, और उस पर थोड़ा सा यूट्यूब पे मैं देख रहा था उसका वीडियोस, और कुछ नोट्स भी बनाया हूँ, तो ताकि जब मैं पढ़ाई एकदम से जब स्टार्ट करूँगा तो तब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे से सब नोट्स वगैरह लिख के रख लो, यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो हो गया, अभी लगभग 11:30 बजने वाला है, और 11:22 बज गया है। तो चलो पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, मुँह वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद देखते क्या करते हैं। अभी दोपहर का 1 बजने वाला है। तो अभी क्या हुआ ना कि मेरा मामा जो है, मतलब मामा अभी शिलोंग में गया है काम के लिए, तो उसी वजह से क्या हुआ कि एक ऑर्डर दिया था फ्लिपकार्ट से, कुछ ऑर्डर किया था, तो मेरा एड्रेस दे दिया, तो और नंबर भी मेरा दे दिया। तो अभी बार बार ना एक बंदा मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, तो मैं बोला कि यार बार बार फ़ोन कर रहा है तो उठा ही लेता हूँ, तो उठाया, उसके बाद आपका ऑर्डर है। मैं बोला अरे ऑर्डर कैसे, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं दिया फ्लिपकार्ट से, और ऊपर से मैं ज़्यादातर अमेजोन से देता हूँ, और फ्लिपकार्ट का पता नहीं क्या। उसके बाद मैं क्या किया, उस फ़ोन का उसको काट के फिर मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी को फ़ोन करके बोला कुछ फ्लिपकार्ट का ऑर्डर दिया, बोला कि नहीं मैंने तो नहीं दिया। उसके बाद जब बंदे को मैंने नाम पूछा, फिर बोला मेरे मामा का नाम बोला, बोला ओ अच्छा। फिर मैं मामा को फ़ोन करके बोला कि तुमने कुछ ऑर्डर दिया था, बोला कि हाँ वो तेरे एड्रेस पर आएगा, बोला हाँ वो आ गया, मैं तो बार बार उसका फ़ोन काट रहा था। तो अभी वो नीचे जाके मैं लेके आया, कुछ क्रीम वगैरह दिया होगा मामा ने, वो पैक्ड है उधर पे रख दिया मामा, जब आएगा शिलोंग से गुवाहाटी तब दे दूंगा, तब बात। चलो मम्मी का भी आने का टाइम हो रहा है, तो आने के बाद फिर लंच के टाइम भी आप लोगों से मिलता हूँ। तो अभी दोपहर का 1:32 बज गया है, और मम्मी मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम रेडी रहो, थोड़ा सा मार्केट जाना है, वो पूजा का कुछ सामान लाना है। तो मैं बोला ठीक है, मम्मी आ रहा है, मैं नीचे आने के बाद मुझे कॉल करेगा, तो उसके बाद मैं जाऊंगा, ठीक है। तो उधर पे जाके आप लोगों से मिलता हूँ, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, देखते हैं क्या सामान लाना है। हमको तो पता है, हमको से बोला कि तुम रेडी रहो, पूजा का कुछ सामान लाना है मार्केट से, तो यही हमको बोला। चलो तो गाइस, मैं अभी यहाँ पे मालीगांव बाज़ार पे आया हूँ, मम्मी उधर पे बाज़ार कर रहे हैं, सब भगवान का मतलब पूजा का जितना भी चीज़ें होता है ना वो सब ले रहा है। तो मैं इधर पे थोड़ा बैठा हुआ हूँ, इतना गर्मी लग रहा है ना लिटरली गाइस, भाई साहब मतलब बाहर बहुत धूप है, घर में तो है ही, लेकिन बाहर बाहर का जो तापमान है ना बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी है बहुत ह्यूमिडिटी है। बाकी तो इस साइड में सब कुछ धीरे धीरे से लग रहा है कि नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी जा रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सही लग रहा है थोड़ा। कोविड टाइप तो यहाँ पे उतना फील नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग मास्क भी पहना हुआ है, सही है एकदम। अभी धीरे धीरे से सब लोग हैबिचुएट हो रहे हैं ना ये मास्क पहनने से, भाई साहब गर्मी कितना है। चलो मम्मी का होने दो, तुम थोड़ा देर यहाँ पे रुकते, उसके बाद जाते देखते और भी कुछ शॉपिंग करना है बोले। चलो देखते
लिए यहाँ पे अभी वो लाइन गिर गया है, अभी तक ट्रेन आने के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं। अभी कितना देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ट्रेन अभी तक आया नहीं। तो कैसे अभी यहाँ पे एक मैं मॉल पे आओ, हमारे सामने एम मार्ट बोलते उस मॉल को, यहाँ पे देख सकते हो चीज़ वगैरह। मम्मी बोला चलो मॉल चलते, यहाँ पे कुछ सामान लेना है। हाँ, इतना सीढ़ी ऊपर है ना, वो इसी वजह से थक गया। हाँ, ये सब सिर्फ देख ही रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो 15 अगस्त गया नहीं ना, क्योंकि तब तक तो मैगी वगैरह मैं खा नहीं पाऊँगा। सिर्फ देख रहा हूँ, आइसक्रीम्स देखो कितने सारा आइसक्रीम। देख लो मैं मॉल पे ही पी रहा हूँ, देख लो कोको कोला, इतना गर्मी लग रहा है ना। मम्मी घूम घूम के शॉपिंग कर रहे हैं और मैं घूम घूम के कोको कोला पी रहा हूँ। चीयर्स, वर्चुअली चीयर्स। तो गाइस यहाँ पे इतना उधर पे ट्रैफिक लग गया था ना, तो अभी जस्ट 4 बजा और अभी आया हूँ मैं घर पे। अभी तक लंच भी नहीं किया, तो पहले फटाक से लंच कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज अभी शाम के 5 बज ही गया है और अभी मेरा हम लोग का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है रिचार्ज। तो रिचार्ज तो मैंने ऑनलाइन में कर दिया है, लेकिन उसका एक कोड देता है, तो वो 70 डिजिट का कोड होता है, तो वो कोड जाके मुझे मीटर पे देना पड़ता है, उसके बाद ही करंट आता है। तो अभी वही देने जा रहा हूँ नीचे। और आज जैसे कि श्रावण महीना का लास्ट मंडे है, तो आज मम्मी उपवास रखा है और अभी पूजा देगा, तो मैं दिखाऊंगा आप लोग को क्या क्या सब कुछ रिचुअल्स वगैरह जो जो करता है। मैं एक शॉर्ट सा क्लिप में आप लोग को सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस सपोर्ट करना, लाइक करना, और देखते हैं गाइस हम लोग का कितना जल्दी तक 150 सब्सक्राइबर होता है, चेक करते हैं गाइस, ठीक है। चलो मैं कोड दे के आता हूँ। तो यहाँ पे अभी शाम के 6:30 बज गया है और अभी मम्मी पूजा दे रही है। तो जैसे कि आप लोग को मैंने क्लिप्स दिखाया, आज लास्ट मंडे है श्रावण महीना का, तो आप लोग को वो शिव जी का जो पूजा हो रहा था कैसा लगा आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और क्या आप लोग के घर में भी ये आप लोग पूजा कर रहे हो या नहीं वो भी बताना ज़रूर से, हमको भी अच्छा लगेगा गाइस। चलो अभी पूजा पे थोड़ा सा बैठते, पूजा का कुछ काम करना है वो सब करते, और फिर आप लोगों से मैं डायरेक्टली रात को ही मिलता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे स्ट्रीम पे भी बैठना है ना। चलो ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे रात के बज चुके हैं 9:52। तो स्ट्रीम को मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एंड किया हूँ। बहुत बाहर पे इतना, मतलब अंदर पे इतना गर्मी लग रहा था, मैं बाहर पे थोड़ा सा टहलना है वो भी, ठीक है। तो उसके बाद ब्लॉग को एडिट करूँगा, पहले नहाऊँगा उसके बाद ब्लॉग को एडिट करूँगा, उसके बाद डिनर करूँगा, ठीक है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड सबसे बड़ी बात थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।